नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू और आपका स्वागत है लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूं वो है फैसिलिटी डिपार्टमेंट होता क्या है। दोस्तों, आप सबको पता होगा अभी नौकरी का बहुत मारामारी होने वाला है कोरोना 19 की वजह से। ये जो जिस तरह से पैंडेमिक बन के आया है इस वर्ल्ड में, और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरा दुनिया में छा गया, और इसमें कई लोग मरते गए, कई लोग इसमें इन्फेक्टेड होते गए। और आलम यह हुआ कि हर सरकार को, हर देश को, हर प्रदेश को लॉकडाउन करना पड़ा। और आज स्थिति यहाँ पर आ गई है कि नौकरी हाथों से जा रही है और बहुत लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। तो इस स्थिति में जो भी एजुकेशन लिया हो, होटल मैनेजमेंट हो या कोई और बीकॉम, बीएससी, बीए, जिस तरह का एजुकेशन लिया हो और वो जॉब के लिए अगर सर्च कर रहा हो, तो उसके लिए मैं एक अच्छा करियर लेकर आया हूं, वो है फैसिलिटी मैनेजमेंट। दोस्तों, फैसिलिटी मैनेजमेंट को बहुत लोग जानते नहीं है क्योंकि ये एक अनसीन इंडस्ट्री है। लोग बिल्कुल नहीं जानते कि फैसिलिटी मैनेजमेंट होता क्या है, बहुत कम लोग जो है जानते हैं। हालांकि हम जब देखते हैं बड़े बड़े कंपनीज में लोग काम करते हैं, बट हमको ये नहीं पता होता है कि वो कौन सा रोल पे काम करते हैं, किसका रोल पे काम करते हैं, कि कंपनी के अंडर में काम करते हैं या कोई थर्ड पार्टी इनको काम करवाती है। तो इस तरह का तमाम जो बातें हैं आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। और फैसिलिटी मैनेजमेंट में जाने से करियर क्या है, अगर एक होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट, अगर स्पेशली हम बात करें होटल मैनेजमेंट का, तो अगर वो बंदा जाता है तो उसका सैलरी क्या होगा, पोजिशन क्या मिलेगी, इसमें आगे करियर क्या होगा, अगर वो बंदा जो भी होटल मैनेजमेंट जो कैंडिडेट हैं यहां पर काम करने के बाद, क्या वो इंडिया में काम करना, विदेश काम करने जा सकते हैं, कहां पर अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, और अगर खुदा ना खास्ता कल अगर वो काम छोड़ना चाहते हैं फैसिलिटी में, अगर गो बैक टू होटल अगर चाहते हैं कि मुझे फिर से होटल इंडस्ट्री में जाकर काम करना है, तो क्या काम मिलेगा। तो इन तमाम चीज के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिए, अगर स्किप करेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सवाल है आपके करियर के लिए। अगर आप अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, बहुत ज्यादा टेंस्ड में हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, अन्यथा नुकसान आपकी ही है। तो सबसे पहले बता दूं मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट होता क्या है। दोस्तों, फैसिलिटी मैनेजमेंट एक अनसीन इंडस्ट्री है जिसे लोग समझ भी नहीं पाते, देख नहीं पाते। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे बड़े बड़े आईटी कंपनीज हैं, जब हम आईटी कंपनीज में जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन होता है, बाहर से ग्लास का चमकीला बिल्डिंग होता है, चाहे होटल में जाएं, मॉल्स में जाएं, तो बाहर से बहुत सुंदर दिखता है। तो ये काम कौन करता है दोस्तों, ये काम किया जाता है फैसिलिटी मैनेजमेंट के द्वारा, उनका जो स्टाफ होते हैं ये सब काम करते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे हम एंट्री करते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी मिलता है हम लोगों को, सिक्योरिटी जो हमको चेकिंग करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंडर में ही काम करते हैं। उसका जब अंदर जाते हैं किसी कंपनी का, वहां पर आप देखेंगे फ्रंट ऑफिस, क्लीनलीनेस, रिसेप्शनिस्ट, तो इस तरह का बहुत सारे आपको प्रोफाइल देखने को मिलता है। ये सारे प्रोफाइल आते हैं दोस्तों फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंडर में। अब फैसिलिटी मैनेजमेंट होता क्या है, इसमें आपका क्या जॉब मिलेगा, तो आपको मैं थोड़ा बहुत समझ में आई होगा आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट होता क्या है। जैसे क्लीनिंग करना है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना है, बैक ऑफिस का काम करना है, फ्रंट ऑफिस का काम करना है, ठीक है, जो मेन रोल के सिवा जो भी सपोर्टिंग डिपार्टमेंट होता है एक इंडस्ट्री में, वो सारा काम फैसिलिटी मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आज स्पेशली होटल मैनेजमेंट का कैंडिडेट को, इसमें जाने से क्या फायदा है और इसको कैसे जॉब मिलेगा, तो अगर आप होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको कैंपस सिलेक्शन भी होता है इसका। आपको अगर पहले पता नहीं हो तो इस बार अगर जब कैंपस में जाते हैं तो जरूर इसमें अटेंड कीजिए और ये जॉब को लीजिए। सबसे पहले कारण बताता हूं मैं, इसमें जो सैलरी है दोस्तों वो डबल हो जाती है। होटल में अगर आपको 15,000 शुरुआती सैलरी मिलती है, तो इसमें कम से कम 25,000 से 30,000 रुपया जो बेसिक सैलरी होता है शुरुआती दौर पे, और विथ ऑल फैसिलिटीज, ठीक है। ये फर्स्ट रीजन हुआ। सेकंड रीजन दोस्तों, यहां पर आप अगर होटल में काम करते हैं तो आप शुरुआत लेवल में जाते हैं। जैसे कि आपको अगर आप F&B सर्विस में जा रहे हैं तो वेटर में जाएंगे, हाउसकीपिंग में जा रहे हैं तो एसोसिएट में जाएंगे, लेकिन अगर आप फैसिलिटी में जाते हैं तो फैसिलिटी में आप डायरेक्टली सुपरवाइजर बनते हैं एज ए ग्रेजुएट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जॉब का काम है दोस्तों, जैसे आप ज्वाइन कर लिए, उसके बाद आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि आप सारे जो काम है उसको आसानी से कर सकें, क्योंकि हर इंडस्ट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अलग अलग होता है। और एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज होते हैं और ये बहुत बड़ा 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 इंडस्ट्रीज को ये ट्रैक करके काम करवाते हैं।
तो आपको इसका जो ट्रेनिंग है बहुत जरूरी होता है, तो वो ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद आप जॉब ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद इनका काम क्या होता है, काम बता देता हूं मैं। इनका तो काम है दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एडमिन, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, हाइजीन एंड मेंटेनेंस, तो इस तरह का तमाम काम होता है। मेंटेनेंस में क्या क्या आता है, जैसे एसी ठीक कराना है, सेंट्रल एसी है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये तमाम जो काम होता है दोस्तों, ये सारा काम मेंटेनेंस के थ्रू या फिर आप फैसिलिटी मैनेजमेंट के थ्रू होता है। अगर मैं बता दूं, अगर एक होटल मैनेजर कैंडिडेट जाता है तो क्या काम करेगा दोस्तों, आपको ये सारा जो काम है आपको मैनेज करना होता है, क्योंकि एक फैसिलिटी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, ये एक्चुअली बैकएंड का काम होता है, ठीक है। दे डू ओनली सर्विस, काम कुछ नहीं होता इनका, ये सिर्फ सर्विस देते हैं। जी हाँ, अगर जैसे एग्जांपल बताऊं, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप जैसे फैसिलिटी मैनेजमेंट में गए, ठीक है, आपको अगर अच्छा खासा आइडिया है इंटरनेट का, ईमेल्स का, ड्राफ्टिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग का, ठीक है, अगर आपको अच्छा खासा आइडिया है वर्ड और एक्सेल का, तो आप इसमें अच्छा खासा पोजीशन पा सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना है कंपनीज को। इसमें 10वीं से लेकर, ठीक है, मास्टर्स तक लोगों को जॉब मिलता है, क्योंकि ये हायर करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। जैसे अगर आप इंजीनियर बनना, अगर आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर का जॉब चाहिए तो भी फैसिलिटी मैनेजमेंट के थ्रू जाना होता है, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो भी इनके थ्रू जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग मेंटेनेंस जैसे एसी टेक्नीशियन हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, तो ये काम में जा सकते हैं। अगर आप जैसे होटल में जाते हैं, होटल में भी ये प्रोवाइड करते हैं सर्विस, तो ये तमाम इंडस्ट्री में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब बता दें कि इसमें अगर आप होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई वहाँ जाने के बाद मेरा करियर क्या है, तो दोस्तों इसमें करियर एंडलेस है, अपॉर्चुनिटी एंडलेस है, इसमें कोई प्रकार की दुविधा नहीं होना चाहिए आपको अगर आप चाहते हैं। और इस दौरान तो खास करके, क्योंकि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं चलने की वजह से सब होटल्स जो है, बहुत होटल तो बंद पड़े हुए हैं, और बहुत सारे होटल जो हैं वो 30-40% या 20% ऑक्यूपेंसी से चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी जो है नौकरी में कटौती होगी, और फैसिलिटी मैनेजमेंट एक नया करियर तौर पर उभर के आ रहा है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं आपको करियर में एक अच्छा खासा माइलेज देने के लिए, तो फैसिलिटी मैनेजमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आप होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। बाकी जो मैंने सब्जेक्ट कहा वो तो कोर डिपार्टमेंट है उनका, लेकिन हमारा जो जैसे अगर आप होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट हैं तो आपका कोर डिपार्टमेंट ये हुआ कि आप बैकएंड में रह के आप काम कर सकते हैं। अब बता दूं, आप फॉरेन जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो दोस्तों आप 100% फॉरेन में जाकर काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नौकरी की, तो इंडिया में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है, साथ ही साथ चाहे आप यूरोप जाएं, एशियन कंट्री में जाएं, चाहे आप गल्फ कंट्री में जाएं, गल्फ जैसे दुबई है, अबू धाबी, शारजा, ओमान, बहरीन, सऊदी, हर जगह इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। साथ ही साथ अगर बात करूं मालदीव्स का और सिंगापुर का, तो यहां भी इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। तो जब आप चाहेंगे कि फॉरेन में काम करना है, तो नौकरी का कोई कमी कभी नहीं होता। बशर्ते आपको वहां का प्रॉपर जो कंपनी का वेबसाइट होता है उसमें जाके आप लॉग इन करके आपका प्रोफाइल क्रिएट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू होता है, उसका मैं अलग अलग प्रोसेस बता दिया हूं कि भुजा प्रोसेस क्या होता है, मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अब बात रही करियर की, तो इसमें करियर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि आपको वापस इंडस्ट्री में जाना है। तो दोस्तों होटल इंडस्ट्री में आप कोई दूसरा डिपार्टमेंट तो नहीं बोल सकता, बट आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में एज एन एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप फैसिलिटी मैनेजमेंट में अगर मैनेजर हैं और आप जाना चाहते हैं होटल इंडस्ट्री में, तो वो आपको वेलकम करेंगे, क्योंकि वहां पर भी एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर का बहुत ज्यादा डिमांड होता है, चाहे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हो चाहे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर हो, उसका बहुत ज्यादा डिमांड होता है। और वो ज्यादातर फैसिलिटी मैनेजमेंट के जो बंदे होते हैं, जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, उनको वो लेते हैं। तो अगर आपके मन में दुविधा होगा कि यहां काम करने के बाद होटल में नौकरी मिलेगा या नहीं, तो 100% आपको मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है टाइमिंग दोस्तों, इसमें जो टाइम है ये फिक्स रहता है, आपको सिर्फ 8 घंटा काम करना है, 1 घंटा आपको ब्रेक होता है तो 9 घंटा होता है, तो 9 घंटा यानी कि 24x7 ये काम होता है, और इसमें 3 शिफ्ट होता है, और 3 शिफ्ट में आपको 1 शिफ्ट में काम करना है, और ये टोटल साल भर में 365 डेज सब दिन काम होता है, ऐसा कभी छुट्टी नहीं होता। लेकिन आपके लिए ये एक अब ओनली आपको 4 या 5 दिन काम करना होता है, 5 दिन काम करना होता है, 5 दिन में आपको शिफ्ट वाइज काम करना होता है। तो अगर आप कंपेयर करें होटल से, तो ये बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होटल बेकार है, बट अगर आप समय के हिसाब से बात करें, टाइमिंग की बात करें, तो फैसिलिटी मैनेजमेंट है वो बेटर है देन होटल इंडस्ट्री काम। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको अच्छा खासा अगर नॉलेज है इंटरनेट का और
एक्सेल का, वर्ड का, तो दोस्तों आपको अच्छा खासा पोजीशन मिल जाता है, क्योंकि आप एक अच्छा लेवल में जाके आप ड्यूटी रिक्वेस्ट बना सकते हैं, ड्यूटी रोस्टर बना सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं, उसके बाद रिक्रूटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा जो मेन मेन जो पोजीशन है वो आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं जो टॉपिक लेके आया था, स्पेशली जब कोविड 19 चल रहा है, जब ये एक महामारी के तौर पे आया हुआ है और किसी को नौकरी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है नौकरी के लिए, और फैसिलिटी मैनेजमेंट एक अच्छा खासा करियर के तौर पर उभर के आएगा आपके लिए। अगर आप चाहेंगे इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दी इजाज़त, आप रखें अपना ख्याल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए दोस्तों, तो सब्सक्राइब और रेड बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह का हर रोज एक नया टॉपिक में नया वीडियो मिलता रहे और आपको आपके करियर के लिए हेल्प होता रहे। सो थैंक यू सो मच, मुझे दी इजाजत, नमस्कार, थैंक यू सो मच और जय हिंद।